के शास्त्री नगर में कॉलोनी वासियों को विकास कार्यों की सौगात मिली है। आपको बता दें कि शास्त्री नगर में लगभग 82 लाख की लागत से पक्की गलियों और बरसात के पानी की निकासी के पाइप डलवाने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर ने बताया कि शास्त्री नगर की बहुत पुरानी समस्या थी, आज पक्की गलियों और बरसाती पानी के पाइप स्ट्रीट लाइट के कार्य का उद्घाटन किया गया है। मेयर ने कहा कि करनाल शहर को स्मार्ट बनाने के लिए धीरे धीरे सभी कॉलोनियों में पक्की सड़कें बनवाने व पानी की निकासी को लेकर कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता मीडिया से भी रूबरू हुई। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से शहर में चहुमुखी विकास हो रहा है, उसी के चलते आज शास्त्री नगर में विकास कार्य की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि पहले यह कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं थी, इसीलिए इस कॉलोनी में विकास कार्य नहीं करवा पाते थे, परंतु अब मुख्यमंत्री के प्रयास से यह कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई है, जिसके चलते यहां पर विकास कार्य तेज गति से करवाए जाएंगे। इस मौके पर वार्ड के एमसी जोगिंदर ने कहा कि मेयर रेणुबाला गुप्ता के प्रयास से जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं वह बेहद ही सराहनीय है। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कॉलोनी एक ऐसी स्लम बस्ती के नाम से जानी जाती थी, जहां कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां एक घोषणा की थी कि शिव कॉलोनी को बाकी कॉलोनियों की तरह डेवलप करेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि शिव कॉलोनी में काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। शास्त्री नगर जो पिछले प्लान में आना अप्रूव था, जिसकी वजह से हम इसमें काम नहीं करवा पाए थे, आज यहाँ 82 लाख का टेंडर हमारे यहाँ पार्षद भाई जोगिंदर शर्मा के प्रयास से आज लगा है और यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल का काम शुरू हुआ है। पिछले प्लान में यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन दोनों बिछा दी गई थी। इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे साथ हमारे बड़े ही अच्छे उपायुक्त अतिरिक्त हमारे आयुक्त महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर साहब हैं, मैडम हैं, यहाँ पर सभी ने मिलकर जो लोगों की व्यवस्था बनाने में प्रयास किया है, मैं उसके लिए सभी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये निवेदन करना चाहूँगी कि इस काम की जांच करते रहें। जहाँ कोई कमी काम में पाई जाती है तो हमें समय पर ज़रूर इत्तला करें ताकि काम को दुरुस्त करवाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं, और अपनी बहन रेणुबाला गुप्ता जिन्होंने वार्ड नंबर 17 में शिव कॉलोनी में इतना हमें साथ दिया और प्यार दिया, उनका मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आज ये शास्त्री नगर की जो 25-30 गलियां थी, जिसमें 82 लाख का टेंडर पास हुआ है, और ये कॉलोनी हमारी कम से कम 25-30 साल पुरानी कॉलोनी थी, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और बहन रेणुबाला गुप्ता के प्यार से हमें इन गलियों का सभी का 15-20 गलियां जो हैं ये सभी की सभी पास हो गई हैं और इनका काम शुरू हो गया है, और इसमें बरसात के पानी के पाइप भी साथ के साथ डले। तो कितने समय के भी रखे गए हैं इसमें? इसमें 3 महीने का समय है, और 3 महीने के समय में करीब तकरीबन ये सारी गलियाँ बन जाएंगी। तो गलियों का है उद्घाटन हुआ है या पानी की निकासी का भी? पानी की निकासी का भी है। कितनी गलियां बनेंगी? गलियां हैं कम से कम 15-16 गलियां हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।